अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार फालूदा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत 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 ज़्यादा आसान है। तो चले चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 कप पानी ले लिया, अभी फ्लेम ऑन नहीं की है। इसके अंदर 1 कप जो है वो हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे, इसके साथ ही 1/2 कप जो है उसमें शुगर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ही हमने फ्लेम को ऑन करना है। और दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे 3 कप के करीब दूध जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने और अब इसकी भी फ्लेम हम ऑन कर देंगे। और जो दूध वाला चूल्हा है उसकी फ्लेम भी हम ऑन कर लेंगे और जो है वो उसे भी मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे ये भी जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर पक रहा है और आपने इसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और ये बहुत ही जल्द जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। और जब ये इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेवइयों का बैटर है वो तैयार हो चुका है। अभी देखिए इसमें स्टिल जो है वो वाइट कलर नज़र आ रहा है, अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो हमने गर्म गर्म के अंदर ही जो है वो इसकी सेवइयां बनानी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये बिस्किट मेकर है, जिससे मैंने 5 साल पहले लिया था और मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं कर पाई। तो आज जो है मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यूज़ किया जाए। तो इसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं, जिसमें से जो है वो 2 तरह की प्लेट्स मैं अभी यूज़ करूँगी। एक जो है ये मैंने थोड़ा सा थिक वाला पहले ले लिया, मुझे लगा कि इससे जो है मेरी सेवइयाँ बिल्कुल बारीक बनेंगी, लेकिन इससे जो वो सेवइयाँ काफ़ी ज़्यादा मोटी बनी थी। तो अभी ये जो दूसरा इसमें से अंदर से जो इसकी गिरा है, इससे मैं जो है वो बाद में दूसरी बार में ट्राई करूँगी। अभी मैं पहली बार में ये वाला ट्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी ज़िपलॉक पैक के अंदर डाल के या किसी भी जो है वो दूध वाली थैली के अंदर डाल के भी उसके छोटे छोटे होल्स करके आप इस तरह की सेवइयां बना सकते हैं, या किसी भी बॉटल के अंदर भर के उसकी कैप के ऊपर से जो है वो होल्स करके भी आप जो है वो इसकी सेवइयां बना सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये फ़िलहाल है और ये प्लास्टिक का है, इसके अंदर मैंने गर्म गर्म भर लिया है। मुझे था कि ये प्लास्टिक जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ख़राब हुआ। अब मेरे पास यहाँ पर बर्फ़ वाला पानी है, जिसके अंदर कुछ बर्फ़ के क्यूब्स है और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा मैंने लिया है। जब इसके अंदर हम ये कॉर्नफ्लोर की गर्म गर्म सेवइयां डालेंगे तो जो है वो ये एकदम से सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी वजह से इसे हम ठंडे पानी के अंदर डालेंगे। तो ये यहाँ पे जो है मैं फ़र्स्ट टाइम इस मशीन को चला रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि इससे जो है वो किस तरह से ये काम करेगी। तो ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बन गई इससे सेवइयां, और ये जो है ये पूरा का पूरा खाली हो चुका है। तो ये देखिए इसे सेवइयाँ काफ़ी ज़्यादा मोटी बनी है और जब मैंने इसे हाथ लगाया तो ये टूट रही थी, तो इसी वजह से इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें जो है वो आपने इसे फ़ौरन से चेक नहीं करना है। अब ये मैंने दूसरे वाला इसका जो है वो प्लेट लगाई है, तो उससे जो है बहुत ही बारीक सी सेवइयाँ बन रही थी और बहुत ज़बरदस्त सी सेवइयाँ बनी हैं उससे। अब जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी बनी है। तो ये देखिए सेट हो चुकी हैं और ये बारीक वाली सेवइयाँ बिल्कुल परफेक्ट जैसे फालूदे की सेवइयाँ होती हैं वैसी ही बनी हैं। अगर आपके पास जो है उस तरह की मशीन ना हो और टाइम ना हो तो आप इस तरह से बाज़ार से रेडीमेड भी ला के बना सकते हैं। तो जो मर्ज़ी आपकी, जो आपको ईजी लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास 3 कप दूध था वो अब थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है इसमें से। अब मेरे पास यहाँ पर घर की फ्रेश क्रीम थी तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ये पूरी 1/2 कप है मेरे पास, अब वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और जो है वो अब यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप जो है वो पाउडर मिल्क है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसके अंदर ना बने। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जो है वो कंडेंस मिल्क ऐड कर लूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना भी ऐड करें तो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा आपका ये मिल्क। तो अब जो है वो ये देख सकते हैं आप कि ये मिल्क जो है वो रिड्यूस होकर थोड़ा 2 कप के करीब रह चुका है। और अब जो है वो ठंडा होने पे हमने इसे जो है वो और चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख देना है, क्योंकि हमने इसे जो है वो ठंडा ठंडा ही यूज़ करना है। तो अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है वो पानी ले लिया है और इसके अंदर 3 टेबलस्पून में जेली के ऐड कर लूँगी। मैं यहाँ पर 3 किस्म की जेलीज़ बना रही हूँ, रेड, ग्रीन और जो है वो येलो। आपकी मर्ज़ी, आप एक भी जेली बना के डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मेरे पास 3 फ्लेवर अवेलेबल थे तो मैंने सोचा कि मैं 3 का बना देती हूँ। तो सेम जो है वो जेलीस इसी तरह से तैयार होंगी, तो मैं इनको ट्रेस के अंदर डाल रही हूँ ताकि बहुत ही जल्दी से सेट हो जाए। और जो है ये साथ साथ मैं इनको ट्रेस में डालती जाऊँगी। और सेम इसी तरह से तीनों की तीनों जेलियाँ जो है मैंने 1.5 कप के अंदर बनाई हैं और 3-3 टेबलस्पून डाल के बनाई हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो 3 कप के करीब मेरे पास यहाँ पर पानी है और उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून जो है वो तुख मलंगा ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 15 मिनट में जो है ये सेट हो जाएगा। तो आप जितनी भी देर के लिए इसे रख दे, कम से कम भी आपने इसे जो है वो 15 मिनट का टाइम देना है। तो ये 15 मिनट में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी जो जेली है वो 1/2 घंटा हो चुका है, सेट हो चुकी है। और जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और उसको जो है मैं एक अलग से बाउल के अंदर डाल लूँगी ताकि मुझे जब इसकी असेंबलिंग करूँ तो मुझे ईजी रहे।
तो व्यूअर्स देखिए कितने ज़बरदस्त से कलर लग रहे हैं सारे के सारे। अब जो है वो ये सारी चीज़ों को हम साइड पे रखते जाएंगे जैसे जैसे हमारी जो चीज़ें तैयार होती जा रही हैं। अभी चिया सीड्स जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं हमारे और जेलीज भी रेडी हो चुकी हैं। इसी के साथ ही अब हम फ्रीज़र में से जो है वो दूध को निकाल लेंगे और यहाँ पर ग्लास के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर लिया है और इसे पूरे ग्लास में इस तरह से फैला लेंगे। और इसी के साथ ही अब जो मेरी फालूदे की जो सेवइयाँ थी वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब वो हम थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसके बाद जो है थोड़ा सा इसके अंदर हमने ये भीगा हुआ तुख मलंगा ऐड कर लिया है। इसी के साथ ही मैं इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल हैं अगर आप ना भी ऐड करें, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने थोड़े से सेब डाल दिए, थोड़े से मेरे पास फ्रोज़न जो है वो अंगूर थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर केला ऐड कर लिया है और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि मिल्क जो है वो थिक हो चुका है और ठंडा होने के बाद जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और इसके अंदर मैंने ज़्यादा शुगर ऐड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा फालूदा जो है वो खाया नहीं जाता है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर आइसक्रीम और बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे अब जो है मैं मज़ीद इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने दूसरी वाली सेवइयाँ बॉईल करके ऐड की हैं। पहले मैंने अपने वाली जो सेवइयाँ मैंने बनाई थी वो मैंने ऐड की थी, तो मैंने दोनों तरह की सेवइयाँ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब दोबारा से जो है मैंने सेब ऐड कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अनारदाना ऐड कर लिया है। तो व्यूअर्स आप जब भी जो है वो फालूदा बनाएं तो हमेशा बड़े ग्लासेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम इसके अंदर जो है वो जितनी भी जो लेयर्स लगा रहे होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। अब मैंने इसके अंदर जो है वो आइसक्रीम ऐड कर ली, वही आइसक्रीम है जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी बनाना आइसक्रीम, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने थोड़े से इसके अंदर ड्राई नट्स ऐड कर लिए हैं। अब मैं अगेन जो है वो मिल्क इसके अंदर ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा इसके ऊपर से जो है वो रूह अफ़ज़ा ऐड कर लूँगी। मैंने अभी तक इसके अंदर जेली ऐड नहीं की है क्योंकि ये जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनको जेली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब थोड़े से ड्राई नट्स इसके अंदर अगेन ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर जो है वो दो किस्म के मैंने किशमिश ऐड की है, ब्लैक और रेगुलर जो येलो किशमिश होती है वो ऐड की है। अब थोड़ी सी जो है मैंने इसके अंदर चेरी ऐड कर ली है, थोड़ा सा फिर से मैं फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर, और अब आखिर में जो है मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अनारदाना और जेली ऐड कर लूँगी और थोड़े से बादाम कश किए हुए मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। तो बस ये जो है इसकी फाइनल लुक है। मैं अभी एक और ग्लास भी इसके बाद जो है वो रेडी करूँगी और साथ ही साथ फिर आपको बताती जाऊँगी कि मैंने उसमें जो है वो जेली पहले ऐड की है और बाकी जो है मैंने किस तरह से उसकी असेंबलिंग की है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सही लग रहा है और अब मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी बहुत ही अच्छी अच्छी और आसान सी रेसिपीज़। अब मैं जो है वो दूसरा ग्लास रेडी कर लेती हूँ जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अब थोड़ी सी जो है मैंने सेवइयाँ ऐड कर ली हैं इसके अंदर और इसके बाद मैंने थोड़ा सा तुख मलंगा ऐड कर लिया है, थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लूँगी, जेली ऐड कर लूँगी। आप इसमें जो है वो जिस तरह से भी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी पहले ऐड करना चाहें, जो भी आपकी मर्ज़ी आप लास्ट में ऐड करें, ये टोटली आप पे डिपेंडेड है, क्योंकि फालूदा की कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं है जिसमें जो है वो आप पे हो कि आपने पहले कौन सी चीज़ ऐड करनी है फिर आपने कौन सी चीज़ ऐड करनी है। अब मैं इसमें दूसरी किस्म की सेवइयाँ इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, इसके बाद थोड़ा सा अनारदाना इसमें ऐड कर रही हूँ, और फिर इसके बाद जो है वो मैंने थोड़े से फ्रोज़न अंगूर इसमें ऐड कर लिए हैं। अब जो है मैं थोड़े से इसके अंदर जो है वो आइसक्रीम के स्कूप 3 ऐड कर लूँगी, और अब देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मेरी आइसक्रीम है। अगर आपको आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके भी इस आइसक्रीम की रेसिपी देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो है वो अब मैंने थोड़ी सी जेलीज ऐड कर ली है, थोड़े से चार मगज़ ऐड कर ली हैं, थोड़े से ड्राई नट्स और किशमिश इसके ऊपर ऐड करती जा रही हूँ, जिससे जो है ये इसकी डिकोर बहुत अच्छे से हो जाए और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। अब जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर लिया है जो इसकी जो है वो लुक में चार चांद लगा रहा है। अब ये देखिए इसकी फाइनल लुक है ये। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलती एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।